सबसे बड़ी चीज होती है शहीदी खुमारी, शहीद कौम के सरमाए होते हैं, उसके बाद आती है सरदारी जी, लेकिन सबसे ऊपर आती है यारी। क्या बात है, भारत वाओ। तो कितने आदमी थे? टोटल 3। खाली हाथ आपको गिफ्ट विफ्ट नहीं लग रहा है? नहीं। अच्छा, इतने पैसे वाले लोग फिर भी खाली हाथ? वो पैसे सारी आगे की पिक्चरों में लगा दिए। अभी सब जी बैठे गिन रहे होंगे। अच्छा हिमांश, हाँ जी, यारियां जो है आप दोनों के बीच में, और भी यार दोस्त हैं आपके? बेशक, मैं एक्चुअली मैं वही ढूंढ रहा था यार, हम लोग साथ में तो आए थे, पता नहीं कहाँ रह गए। कितने लोग आए थे? और हम यार 5 लोग आए। और अच्छा, हाँ बुलाओ यार, कहाँ रह गए बाकी लोग? इनसे दूर हटके खड़े, नीचे ना आ जाना कहीं इनके। ये हाई फाई लोग तुम्हारे कैसे फ्रेंड हो गए? एक्सक्यूज मी मिस्टर शर्मा, एक्सक्यूज मी, ये कोई हाई फाई लोग नहीं है। हाँ, ये मेरे हाय बाय दोस्त हैं। मतलब कि अभी कुछ देर पहले मैं इनसे बाहर मिली थी, मैंने इनसे कहा हाय, इन्होंने मुझसे कहा बाय, हो गए ना हाय बाय दोस्त। एक्सक्यूज मी, आपको बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि इतना हॉट सेक्सी लड़का खड़ा है और आप इनके साथ खड़ी हैं? कैसी हो? ये जो बालों में कर्ल है जी, ये पुश्तैनी है कि नूडल ज्यादा खाने का शौक है? इनके साथ क्या कर रहे हैं? एक मिनट, ये किस टाइप का सवाल हुआ? मेरे साथ क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन इज क्या आपके साथ क्या कर रहे हैं? जहां पर यंग लोग, म्यूजिक, मस्ती, डांस, यारियां होंगी, वहां पर पलक तो होगी ना। लेकिन ये बात आप जैसे ओल्ड जी कैसे समझेंगे? What do you mean पलक? आई एम ओल्डी, मैं तो बाहर फिकवा दूंगा तुम्हें। बता देती हूँ, वैसे मैं सब लोगों के लिए शेर बोलती हूँ ना, सुना यार, अच्छे अच्छे शेर बना के लाती हूँ ना सबके लिए। आज मैंने इनके लिए शेर बनाया है। मेरे लिए? मैं सुनाऊं? Come on, go. तो अर्ज किया है, करो। हमारे जैसे यंगस्टर, वो यो यंगस्टर, आपस में करते हैं यारियां। यंगस्टर और यंग ट्रक। ओके, सुनिए ना, क्या है? हमारे जैसे यंगस्टर आपस में करते हैं यारियां, हमारे जैसे यंगस्टर आपस में करते हैं यारियां, आप जैसे ओल्डी करते हैं गधे की सवारियां। झूठ बोल रही है पलक, मैं कब आया तेरे बैठ के? वो तो गया। ओके, मतलब ज्यादा टाइम मत ले, तेरी दाढ़ी निकल आएगी, पकड़ी जाएगी तुझे। एक सेकंड, आपका भी फिल्म में कोई लव ट्रैक है? आप तो देखना पड़ेगा। उसके पहले तक कैसे रोके अपने आप को? Don't try to trap our friend. Oh, sorry, Rakul, baby, listen. Rakul, है बड़ी क्यूट भाजी, देखो सही। है क्यूट है। वो हाँ। कहाँ से ढूंढा आपने इतना हॉट मसाला? मैम, कहाँ से मिले थे? आपने कहीं इनको देखा था कॉलेज में या ऐसे कुछ ऑडिशन हुआ नहीं, था? बहुत जगह ऑडिशन रखे, डांस स्कूल्स, एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स, कोरियोग्राफर्स इंस्टीट्यूट, हर जगह ऑडिशन किए। फाइनली बहुत लोगों में से ढूंढ ढूंढ के इनको, पांचों को ढूंढा। इतने ऑडिशन आप करते हैं, आपको टीवी पे एक शो नहीं देखा कॉमेडी नाइट, उसमें कितना हैंडसम लड़का आता है? मुझे आप कॉमेडी नाइट्स के बारे में एक बात बताओ। आपका शो का नाम है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, मतलब नाइट को लोग बस कॉमेडी करते रहे कपिल जी के पास, और कोई काम नहीं है लोगों को नाइट को करने का? यही तरीका है पॉपुलेशन कम करने का। आपको नाचते देखते ऐसा लगता है कि आइलैंड में अर्थक्वेक आ गया। एक मिनट, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ पहले कि सलमान खान स्वयं, सुहेल खान स्वयं,
और मिस डेजी सब यहाँ पर आए हुए हैं। हाय हाय, आई एम सो एक्साइटेड। और आज मुझे मानना पड़ेगा मिस्टर शर्मा, आप मिस्टर शर्मा आप बहुत ही बड़े आदमी हैं और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी, नहीं इनकी। और आपकी तो फैन मैं हूं ही साथ साथ में, लेकिन सोहेल जी ने जो बॉडी बना रखी है, मतलब आप इतने कूल है ना, मैं बता रही हूं, मैं आपकी वजह से दिन में 3 बार जिम के बाहर से गुजरती हूं। सच में मैं चाहती हूं कि मेरी बॉडी बना एकदम आपके जैसी हो, मतलब आप जरा मुझे गौर से घूरिए थोड़ा और भी बताइए कि मतलब क्या स्कोप क्या है मेरा भी ऐसे, मतलब आपने बहुत अच्छी बॉडी खराब तो की हुई और क्या चाहिए। आई एम सॉरी, आप मुझसे बात कर रहे थे, मैं यहां देख रही थी, मैंने आपको देखा नहीं। चूंकि आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो इतना तो बनता है कि मैं कुछ मांगू आपसे। रोटी मांगेगी पक्का। ये किसी से भी मांग लेती, पता एटीएम मशीन के बाहर जाके बोल रही होती है कि कार्ड नहीं है, इंसानियत ना तक दे दे कुछ। क्यों आप ट्राई करते हैं ये सब? बातें चल रही है ना। खैर भाई, ऐसी वैसी चीज नहीं मांग रही, मुझे बस आपसे टिप्स चाहिए। ओके, भीख मांग रही है, कहने का मतलब तो यही हुआ ना। भीख नहीं कहते उसे, टिप्स कहते हैं, टिप्स। हाँ, 1-2 रुपए हो तो भीख हो गया, 10-12 हो गए तो टिप। क्या कर रहे हैं आप? टिप, टिप नहीं, टिप्स। एस, एस, एस की इंपॉर्टेंस को समझिए आप। सोचिए आपके नाम से अगर मैं एस निकाल दूं तो क्या रह जाएगा? कपिल हर्मा। अच्छा लगेगा अगर अलमान खान, ओहेल खान। और डेजी, डेजी आ। बस तुम्हें पता सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा गलत एस तेरा लगा हुआ है, शीर नहीं है ही नहीं तू। मैं आपको इग्नोर करना चाहूंगा। कुछ ऐसा बता सकते हैं, ऐसी कोई एक्सरसाइज हो जो मैं करूं और मुझे पता भी ना चले कि मैंने करी, मतलब कि बस हो जाए। हाँ, प्रार्थना करो फिर। आप बॉडी के लिए प्रार्थना करो। चलिए कोई बात नहीं, मतलब अगर और प्रार्थना तो मैं कर ही लूंगी। वैसे सलमान जी, चूंकि मेरी बॉडी और मेरे फिगर के बारे में ऐसी बात मतलब छिड़ ही गई है। कब छिड़ी? तो साथ साथ में आप भी बताइए ना कि आप काफी न्यू कमर्स को मौका देते हैं, ऐसी मतलब आपके सामने एक हैपनिंग सी लड़की खड़ी है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? न्यू कमर को मौका देना, ट्रिपल कमर को थोड़ी ना देते हैं। जब यहाँ यहाँ ऐसे बात करते हैं, तो यहाँ ऐसे बात करने का क्या फायदा? यूं हो रही है ना, वो यहाँ देख रहे हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ। खैर वो छोड़िए, लेकिन मैं ना आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी ना बहुत बड़ी फैन हूँ, और चूंकि मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ तो मैंने आपके लिए एक शेर लिखा है। वैसे तो आप टाइगर हैं, लेकिन मैंने शेर लिख दिया, शेर टाइगर। ए पलक, ये क्या कर रही है? वो क्या है शर्मा जी, मेरी भैंस भाग गई ना, इसलिए मैं रो रही हूँ। शर्मा जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं हंस रही हूँ। दिस इज कॉल्ड लाफ्टर थेरेपी। लेकिन आप जैसे सीरियस लोग को क्या समझ में आएगा वैसे भी। आपको क्या पता, आप तो वन मिनट, इज दिस द दलेर मेहंदी? दलेर जी नमस्ते। ये कौन सी नमस्ते है बहन जी? ये शर्मा जी आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम जो आर्टिस्ट होते हैं ना, तो उनमें जैसे डांस होता है ना, तो डांस में कैसे ऐसे नमस्ते किया जाता है, वैसे अब सिंगिंग होती है ना, तो सिंगिंग के अंदर हम सुर में नमस्ते करते हैं। कैसा लगा मेरा सुर आपको एकदम? नमस्ते। इतना अच्छा, इतना अच्छा कि मुझे ऐसे लग रहा है मुझे 30 साल पुरानी मुझे
वो यादें सारी जाग गई हैं जब मैं पैसेंजर ट्रेन में आता था तो चाय इतना अच्छा इतना सुर में आपने बोला है और बल्कि सुर तो लगिन रहा था, ऐसा लगता है असुरों की बहू गा रही है। शर्मा जी यू प्लीज जस्ट टॉक टू माय हैंड ओके। और मैं आपको वेरी फ्रेंकली बता रही हूँ कि ये बोल बोल के भी मैं काफी थक गई हूँ। इसके लिए ना मेरी एनर्जी ना बहुत वेस्ट हो जाती है, मैं एकदम डिहाइड्रेट हो जाती हूँ। इसके लिए आगे से मैं सिर्फ आपको इशारा करूंगी, आप समझ जाइएगा कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ। दलेर जी सच में क्या है ना कि कल मेरा कॉलेज का फेस्टिवल है, उसमें ना मैं फोक सॉन्ग गा रही हूँ, तो अगर आप मुझे थोड़ा सिखा देंगे तो हेल्प हो जाएगी, मैं शायद जीत भी जाऊँ फर्स्ट प्राइज। तो किन चीजों को पीछे पड़ी हुई सीखने के, भगवान ने इतना बड़ा पेट दिया है, जिन सोसाइटी में पानी नहीं आता इसमें पानी भर जाके सप्लाई कर जा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं सीख नहीं सकती? तुम नहीं सीख सकती। मैं आपको बता रही हूँ दलेर जी, सच में मैं आपको बता रही हूँ, मेरा घर है ना ऊपर, मेरे घर की दीवार पे मैंने ऐसे एक बहुत बड़ा सा आपका पोस्टर लगाया हुआ है और उसके सामने रोज 2 घंटा बैठ के मैं मसाज करती हूँ। अरे मसाज नहीं, रियाज होता है, उसको रियाज बोलते हैं। मैं मसाज ही करती हूँ। तो उसमें क्या होता है ना, मैं अपने हाथ से मैं बता रही हूँ, नहीं होता क्या है ना, मैं अपने हाथ से अपने पैरों को दबाती हूँ, लेकिन मेरे हाथ इतने भारी है ना कि मैं अपने पैर को जरा जोर से दबा देती हूँ और मेरे मुंह से निकलता है आ। तो साथ साथ में रियाज भी हो जाता है ना। अच्छा तो आप पैर दबाती है अपने हाथ से, अपने पैर छू के बताया। अभी मेरा हाथ थोड़ा सा बिजी है, पता है क्या करने में? Romeo, where are thee? Romeo! Meow! Huh? Wow! Ranbir Kapoor, Deepika Padukone! आप लोगों को मेरे लिए यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, मैं अभी नीचे आई। Oh, I'm joking, मैं आई, 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 अभी आई। कैसे हैं आप? Very well. आप कैसी हैं? Very well. Greetings from Juliet. Tell me not in bornful numbers. Life is but an empty dream. For the soul is dead that slumbers and things are not what they seem. Life is real. Life is earnest. And the things that are soul. Just our watch. This is not spoken of the soul. Not enjoyment and not sorrow is a destined and a way. But to add that each tomorrow finds further than today. Art is long and time is fleeting. And a heart so stout and brave. Still like muffled drums are beating. Funeral marches to the grave. ऐसे मरेंगे किस दिन तू? देखिए एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जूलियट में कल रात को करीब 1:15 ही बनी। क्या हुआ कि मैं अपने इंटरनेट पे ना चैट कर रही थी और चैट करते करते अचानक मुझे मेरे सपनों का राजकुमार, फिर सपनों का राजा, द रोमियो, मुझे मेरा रोमियो मिल गया। आई नो ये खबर सुन के आपको बड़ा दुख हो रहा होगा ना? नहीं, आपका हार्ट एकदम ब्रोकन हो गया है, टूट सा गया। कोई बात नहीं, ये लीजिए अपना अंदर का सारा गुबार बाहर निकाल दीजिए। पहले तो अपने अंदर का गोबर निकाल के भागे आ। आपको जरा सा भी इल्म है कि एक राजकुमारी से किस तरह गुफ्तगू की जाती है? एक काम कर, गुफ्त यहां कर ले। देखिए आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बचपन में आप एकदम छोटे से थे और आपकी नाक बह रही थी और आपके मम्मी पापा कुछ बात कर रहे थे और अचानक से आपका मन किया कि उनसे आप कुछ बात करें, आप बात करने गए और क्या आपके पापा ने आपसे कहा चुप? जब दो लोग बीच में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते चुप।